दोस्तों, सामान्य रूप से एक सामान्य व्यक्ति अपने बारे में भी सही तरीके से 100% सही सोच नहीं पाता है। अपने बारे में व्यक्तिगत कह रहा हूं, एक व्यक्ति अपने बारे में सही नहीं सोच पाता, सही फैसले नहीं ले पाता, कल्याण के, धर्म के, अपने मन में इच्छाओं में इस तरह से घिरा रहता है कि वही नहीं जीत पाता। और दूसरा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड का भला चाहता हो, जिसकी सोच पूरे वर्ल्ड के कल्याण की हो, वो भी व्यक्ति है। वो दो व्यक्ति खड़े हैं, एक साधारण है जो अपनी खुद की मन की विषयों पे, इंद्रियों पे, इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और एक व्यक्ति पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर देता है। दो हैं व्यक्ति, तो दोनों में अंतर तो है। हमारे ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं, ये हमारा इतिहास देख लो आप, कि एक व्यक्ति अपने कोई जीवन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, दूसरा व्यक्ति पूरे वर्ल्ड के कल्याण करके अपने विचारों से सम्मोहित करके कर देता है कंट्रोल किसी बुराई पे, किसी बहुत सारी चीज़ों का हल निकाल देता है, जिसे हम बाद में दिव्य आत्मा या दिव्य प्रभाव वाला व्यक्ति पुरुषों में उत्तम जैसा नाम देते हैं। तो अंतर तो है ही ना, एक अपने खुद के कल्याण की नहीं सोच पाता है वैसा ही वो भी, और दूसरा जगत कल्याण की बात सोच लेता है। तो हम यही से धरती पे पैदा होते हैं दोनों, वो भी माँ बाप से पैदा होते हैं, वो भी यही मिट्टी में रहते हैं, वही धरती आकाश वायु अग्नि जल का ही पोषण उनको मिलता है। पर जब सोच में धरती और आसमान का अंतर हो, एक आदमी को धर्म की परिभाषा नहीं पता, एक धर्म लाने की बात कर रहा हो पूरे वर्ल्ड में, यही पैदा होता हो, तो ये जो अंतर है ना अनोखा सा, यही विचारधारा, यही अच्छापन, यही परोपकार, यही गुण, यही कला इतना अलग बना देती है उस व्यक्ति को, जिसे हम अवतार के रूप में स्वीकारना, दिल से पसंद करने पे मजबूर हो। आपको मैंने जो बताया, एक छोटी सी बात बताइए, क्या ऐसा है कि नहीं है, क्या हमें सच में मानना चाहिए नहीं उसके दिल में, जिसमें एक अपने व्यक्ति अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, एक जगत कंट्रोल कर देता है, ऐसी एक धर्म का परिभाषण जानता है, एक धर्म ला देता है। इतना अद्भुत व्यक्तित्व होगा तो क्यों नहीं मानोगे आप, एक अपने कल्याण की बात नहीं सोचता, एक जगत कल्याण की बात सोच रहा है, तो क्यों नहीं अवतार होगा वो, क्यों नहीं विशेष रूप से भेजा गया होगा, क्यों नहीं भेजा गया होगा, क्यों नहीं माने हम, सारे तो नहीं होते, सब तो नहीं सोच पाते। तो जो ऐसा सोच पाते हैं वो सच में खुद नहीं आते, उनको भेजा जाता है। जय हो। कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, अगला वीडियो बनाऊंगा।